सब्सक्राइब करें गोल्डन कलेक्शन चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबा दें कॉइंस और नोट का वैल्यू सबसे पहले सही जानने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। दोस्तों, आज का जो कलेक्शन है वो मेरे डैडी जी का कलेक्शन है। उनका नाम देविंदर गुप्ता जी है, वो कॉइन करेंसी का कलेक्टर एंटी कलेक्टर भी है। तो आज मैं कुछ उनका एरर नोट्स का आपको कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक और फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का, तो उनको पता चल जाए कि कौन कौन से एरर नोट्स होते हैं और कैसे उनका कलेक्शन करना चाहिए। तो आपको मैं एक एक करके उस एरर नोट्स का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन सा एरर होता है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर एरर है। सीरियल नंबर जो है पहले इस बीच में होता है, नीचे आया होता है, उसमें ये वाला एरर है। तो जो नेक्स्ट नोट है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सीरियल नंबर है ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसमें इस तरह का एरर आया हुआ है। और इस नोट में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है, इसमें जी एरर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा किस किस तरह के एरर होते हैं। तो उसमें भी सीरियल नंबर नीचे आया, आप देख सकते हैं, वैसे बीच में होता है उसमें नीचे आया हुआ है, तो उसमें एरर ए सीरियल नंबर ये एरर है। तो उसमें सीरियल नंबर आप देख सकते बिल्कुल नीचे आया, लाइन से टच कर रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सीरियल नंबर ऊपर आया हुआ आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर आया हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सीरियल नंबर नीचे है। तो दोस्तों होता है कि अगर जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हमें थोड़ा ध्यान है, तो उस ध्यान से हम आपको भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो आपको भी आप भी नोट में चेक करके देखेंगे कि आपके किसी नोट में एरर है तो आप उन्हें अलग से संभाल के रख लीजिए। तो दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जो सीरियल नंबर थोड़ा नीचे आया हुआ और 6 जो थोड़ा ऊपर आया हुआ, तो इसमें इस तरह का एरर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस नोट में देख सकते हैं इसमें सीरियल नंबर काफ़ी ऊपर आया हुआ है, ऐसे सेंटर में होता है। और ये फैंसी नंबर नोट आ गया 03443 और 033 आगे सारे 4 के 4। उसके बाद दोस्तों 80 90 आगे 007 फैंसी नंबर आ गए, अभी इसमें सीरियल नंबर ऊपर आया आप देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर नीचे आया आप देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर नीचे आया आप देख सकते हैं, इसमें भी दोस्तों सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है, इसमें भी दोस्तों सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है, इसमें भी सीरियल नंबर दोस्तों नीचे आया हुआ है, इसमें भी दोस्तों सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है, इसमें भी दोस्तों सीरियल नंबर नीचे आया, साथ में 007 भी है। और इस नोट में देखेंगे थोड़ा ये प्रिंटिंग एरर भी है, तो ऊपर से ये ज़्यादा कटा हुआ, नीचे से कम कटा हुआ है, तो इसमें ये एरर है। इसमें भी दोस्तों सेम एरर आप देख सकते हैं, ऊपर से दोस्तों कम ज़्यादा कटा हुआ, नीचे से कम कटा हुआ है, इसमें इस तरह का एरर आप देख सकते हैं नोट में। इसमें दोस्तों देख सकते हैं सीरियल नंबर थोड़ा ऊपर आया हुआ है, इसमें सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है और साथ में कटिंग भी गलत हुई हुई है, ऊपर से कम काटा हुआ, नीचे से ज़्यादा काटा हुआ है। और इसमें सीरियल नंबर नीचे आया हुआ दोस्तों देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर नीचे आया हुआ, इसमें दोस्तों सीरियल नंबर नीचे आया हुआ, साथ में ऊपर से कटिंग भी गलत हुई है, ऊपर से ज़्यादा काटा हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसमें सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है, इस नोट में दोस्तों सीरियल नंबर नीचे आया आप देख सकते हैं, इस नोट में सीरियल नंबर नीचे है, यहाँ से कटिंग भी गलत हुई हुई है, इस नोट में सीरियल नंबर नीचे है। और इस नोट में सीरियल नंबर ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आया हुआ है, इस नोट में सीरियल नंबर ऊपर आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी ये एरर है, कटिंग सही से नहीं हुई है, या नीचे से ज़्यादा कटा हुआ है, ऊपर से कम कटा हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी एरर ही आपको देखने को मिलेगा, इसमें देख सकते हैं सीरियल नंबर काफ़ी नीचे आया हुआ है, यहाँ टच बॉर्डर से टच कर रहा है देख सकते हैं, इसमें भी सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है, इसमें भी सीरियल नंबर नीचे है, इसमें भी सीरियल नंबर नीचे है, इसमें भी सीरियल नंबर नीचे है, इंसर्ट से भी नीचे आया हुआ है, इसमें भी सीरियल नंबर नीचे आया हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कुछ 1 रुपये के फैंसी नंबर नोट दिखा रहा हूँ, ये फैंसी के साथ एरर भी है, एरर आपको मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग जो नंबर है 786 है, तो ये सारे जो नोट आप देख रहे हैं 786 वाले नोट है 1 रुपये के। और बैक साइड जब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों नज़र आएगा थोड़ा इंक एरर नज़र आएगा, जो मतलब कि जो आगे जिस नोट की जो इंक थी वो पीछे छप गई है, ज़्यादा प्रेस किया होगा तभी ये इंक एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसे इंक एरर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपको नोट देखने को मिलेगा 1 रुपये के, तो ये 1 रुपये के नोट है,
इसमें भी पेपर कटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से पेपर थोड़ा कम कटा, ज़्यादा कटा हुआ, तो यहाँ से देखने का फर्क आपको नज़र आ जाएगा, पेपर यहाँ ज़्यादा कटा हुआ, यहाँ से कम कटा हुआ है, तो आपको साफ साफ फर्क नज़र आ जाएगा। तो इसमें पेपर कटिंग है दोस्तों, देख सकते हैं। और दोस्तों नोट यूएनसी कंडीशन में, उसके बाद इसमें भी एरर आपको देखने को मिलेगा, पीछे या इंक आपको देखने को मिल जाएगी, जो मतलब ये सीरियल नंबर यहाँ पे थोड़ा डार्क, थोड़ा ज़्यादा दब लग गई है, उस वजह से इंक पीछे आ गई है, तो इसमें इंक एरर आप देख सकते हैं इस नोट में। तो इसमें भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो जो एरर है वो इसमें सीरियल नंबर एरर है, और सीरियल नंबर जो नीचे आ गया है। और दोस्तों ये 2 रुपये सेटेलाइट वाले नोट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बैक साइड देखेगा तो यहाँ पे इंक एरर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीरियल नंबर पीछे यहाँ छपा हुआ देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये 5 रुपये के नोट है, तो छोटी छोटी चीज़ें गौर करनी पड़ती है दोस्तों, तभी आपको भी बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस यहाँ नोट में इंक एरर आया हुआ है, जो पीछे जो यहाँ आगे जो सही होती है वो पीछे भी छपी हुई है, तो यहाँ देखिएगा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कटिंग एरर आपको दिखाने वाला 5 रुपये के, तो ये 5 रुपीज़ के कटिंग एरर देख सकते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा कट चुका कटा हुआ है, और नीचे से कम कटा हुआ देख सकते हैं। ये 3 नोट का मुझे सेट मिल गया, तो आप देख सकते हैं ऊपर से ज़्यादा कटा हुआ और नीचे से कम, ये अच्छा एरर है दोस्तों। बस दोस्तों एक 10 रुपये का पुराना नोट है शिप वाला, तो इसमें भी एरर आप देख सके देख सकेंगे। इसमें जो सीरियल नंबर काफ़ी ऊपर आ गया है, सेंटर में होता है इस तरह से सीरियल नंबर होता है, बट यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर से यहाँ टच कर रहा है, तो इसमें ये एरर है। तो इसमें भी देख सकते हैं कटिंग एरर है, नीचे से यहाँ नीचे से ज़्यादा कटा हुआ है, ऊपर से थोड़ा कम कटा हुआ है, तो इसमें ये एरर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे से ज़्यादा कटा हुआ, यहाँ सीरियल नंबर तक ये नोट कट चुका है, तो इसमें ये एरर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों देख सकते हैं सीरियल नंबर नीचे से ज़्यादा कट चुका है, और ऊपर से पेपर भी एक्स्ट्रा यहाँ देख सकते हैं। उसका 10 रुपये का नोट है, इसमें भी एरर है, सीरियल नंबर नीचे आया हुआ है, शिफ्ट हुआ हुआ है नीचे, काफ़ी नीचे शिफ्ट हुआ है देख सकते हैं आप। तो बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ नीचे काफ़ी प्रिंटिंग कम गलत हुई है, मतलब नीचे से यहाँ पे ज़्यादा कटा हुआ है और ऊपर से कम कटा हुआ है, तो आप देख सकते हैं फ़र्क। तो इस नोट में देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा पेपर आया हुआ, इसमें एरर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर है इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटिंग गलत हुई है, ऊपर से ज़्यादा कटा हुआ है और यहाँ से सीरियल नंबर भी शिफ्ट हुआ हुआ है, सीरियल नंबर यहाँ आता है बड़े नीचे आया हुआ है, बॉर्डर से नीचे आ गया है। तो देखो दोस्तों देख सकते हैं कितनी गलत प्रिंटिंग होती है यहाँ पे RBI से। उसके दोस्तों देख सकते हैं इसमें यहाँ पे नीचे से ज़्यादा कटा हुआ पेपर और ऊपर से कम कटा हुआ है, तो एरर नोट है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से ज़्यादा कटा हुआ, नीचे से कम कटा हुआ, यहाँ पे सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी मिसप्रिंट नोट है, देख सकते हैं प्रिंटिंग सही से नहीं हुई है। और दोस्तों ये देख सकते हैं 10 रुपये का नोट एक्स्ट्रा पेपर है, तो यहाँ पेपर एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा पेपर नोट है, तो ये भी देख सकते हैं इसमें प्रिंटिंग सही से नहीं हुई है, ऊपर से ज़्यादा कटा हुआ नीचे से कम कटा हुआ है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर भी यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 10 रुपये का नोट कीमती आता है क्योंकि दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा पेपर लगा हुआ देख सकते हैं, ये 20 रुपये इसमें भी एक्स्ट्रा पेपर आप देख सकते हैं, ये भी एरर नोट है। तो ये भी 20 रुपये का एरर नोट है, तो देख सकते हैं सीरियल नंबर काफ़ी नीचे आ गया है। तो दोस्तों इतना खुश हो रहा हूँ, इतनी कलेक्शन एक साथ आने में मज़ा आ गया, दिखाने में मज़ा आता है, थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाए कि नोट में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों ये भी 20 रुपये के मिसप्रिंट नोट है, इसमें सीरियल नंबर शिफ्ट हुआ देख सकते हो, काफ़ी ऊपर आ गया है, इसमें भी सीरियल नंबर शिफ्ट हुआ हुआ है, इसमें भी सीरियल नंबर शिफ्ट हुआ आप देख सकते हैं, और इस नोट में भी सीरियल नंबर शिफ्ट हुआ हुआ है, और इस नोट में दोस्तों सीरियल नंबर शिफ्ट हुआ, थोड़ा लाइन से थोड़ा ऊपर आ गया है। तो उसका भी 20 रुपये के नोट है,
तो इस नोट में देखिएगा आप लास्ट में 786 है, बस नोट में प्रिंटिंग में फ़र्क है। इस नोट में आप देख सकते हैं इसमें जो डार्क प्रिंटिंग हुई है और इसमें लाइट प्रिंटिंग है, तो इस नोट में ये फ़र्क है। तो मैं प्रिंटिंग थोड़ा एरर ये मेरे को लगा था, तो मैंने इनका भी हमने कलेक्शन कर लिया। आप देख सकते हैं बैक से, ये बैक साइड से बिल्कुल डी लगता है, बट फ्रंट साइड से आप देखिए थोड़े हम यहाँ पे थोड़ा डार्क प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये 20 रुपये का नोट आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा डार्क प्रिंट हुआ हुआ है, और पीछे दोस्तों वेट इंक एरर है इसको, इस एरर को बोलते हैं वेट इंक एरर। तो देख सकते हैं एरर आपको सामने सामने नज़र आ जाएगा, फ़र्क है प्रिंटिंग में। उसके बाद दोस्तों ये भी 20 रुपये का नोट है देख सकते हैं, और इसमें भी वेटिंग एरर है, सही से प्रिंटिंग नहीं हुई है। उसका दोस्तों ये 50 रुपये का नोट है। दोस्तों जो फ़र्क मुझे लगा था वो ये बैक साइड में लगा था, इसमें दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बैक साइड में ये सीरियल नंबर का जो कलर है पीछे छप गया है, तो इसलिए मैंने इस नोट को कलेक्शन कर लिया है। तो उसका दोस्तों ये 50 रुपये का नोट है, इसमें भी एरर है। तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर काफ़ी नीचे आ गया है, ऐसे ऊपर होता है बड़े ही नीचे आया हुआ है, तो इसमें ये एरर आप देख सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं 50 रुपये का न्यू नोट है, यहाँ पे जो 50 रुपये ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें ये एरर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 100 रुपये का न्यू नोट है, तो आप सोच रहे कि इस नोट में क्या एरर है, तो आप देख सकते हैं इस नोट एक्स्ट्रा पेपर यहाँ देख सकते हैं, तो एक्स्ट्रा पेपर आ गया है, तो इसमें ये एरर आप देख सकते हैं। ये 100 रुपये का नोट है दोस्तों, तो ये 100 रुपये में देख सकते हैं इसमें ये सीरियल नंबर काफ़ी नीचे आ गया है, तो इस नोट में ये एरर है। तो कितने नोट आपने आज देख लिए, वो सिर्फ मेरे डैडी की वजह से, क्योंकि उनको शौक है एरर का, बहुत शौक है उनको। 100 रुपये का नोट है, इस नोट में आपको फ़र्क दिखाऊंगा आपको, जब बैक चेक करेंगे तो यहाँ पे जो कलर है थोड़ा चेंज आया, तो इसलिए इस नोट का हमने कलेक्शन कर लिया, ये भी इंक एरर है। उसके बाद दोस्तों ये भी 100 रुपये का पेपर कटिंग एरर है, तो यहाँ से पेपर ज़्यादा कटा हुआ है और यहाँ से कम कटा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं एरर नोट। उसके बाद दोस्तों को दिखाऊंगा ये 100 रुपये का न्यू ये ओल्ड नोट है, तो इसमें पेपर कटिंग एरर है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ है और नीचे कम कटा हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों को दिखाऊंगा और कुछ नोट 100 रुपये के, तो ये भी 100 रुपये का नोट आप देख सकते हैं, इसमें दोस्तों वेटिंग एरर है, देख सकते हैं बैक साइड में प्रिंटिंग सही से नहीं हुई है। उसका ये भी 100 रुपये का नोट है दोस्तों, देख सकते हैं ये भी वेटिंग एरर है, पीछे से आप देख सकते हो प्रिंटिंग सही से नहीं हुई है। ये आगे आपका 500 रुपये का नोट, इसमें यहाँ से देख सकते हैं प्रिंटिंग सही से यहाँ सेंटर में नहीं हुई है। उसके बाद ये 500 का न्यू नोट है, तो इसमें भी देख सकते हैं प्रिंटिंग सही से नहीं हुई है, यहाँ से पेपर थोड़ा दोस्तों ज़्यादा कटा हुआ और यहाँ से कम कटा हुआ है, तो इस नोट में ये एरर है। उसके बाद दोस्तों तो ये भी 500 रुपये का न्यू नोट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग में क्या फ़र्क है, तो आप सीरियल नंबर आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे आ गया है, ऐसे सीरियल नंबर यहाँ होता है, बड़े सीरियल नंबर शिफ्ट होकर नीचे आ गया है, तो इसमें नोट में एरर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये 500 रुपये का न्यू नोट, ये समझ गए इसमें क्या फ़र्क है, तो ऊपर से पेपर ज़्यादा कटा हुआ है और नीचे कम कटा हुआ है, तो इस नोट में ये फ़र्क आप देख सकते हैं। तो 500 रुपये का नोट है, तो दोस्तों ये आप देखेंगे इस नोट में क्या फ़र्क है, तो उसमें पेपर कटिंग एरर है, यहाँ से पेपर ज़्यादा कटा हुआ है, यहाँ पे कम कटा हुआ है, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर ही आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर नोट है। उसके बाद कुछ नोट और दिखाता हूँ आपको, तो दोस्तों ये 10 रुपये के नोट आप देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर आप देखेंगे फ़र्क भी है और पेपर कटिंग एरर है, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे ज़्यादा कटा हुआ है और ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर आया हुआ है, और सीरियल नंबर भी यहाँ शिफ्ट चेंज है, तो यहाँ 800 देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 700 देखने को मिलेगा, तो इस नोट में ये फ़र्क है। उसके बाद दोस्तों कुछ और एरर नोट दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं 10 रुपये का नोट है, इसमें आप देखेंगे बीच में अगर आपको देखने को अगर वीडियो में देखने को मिले, इसमें नोट्स में यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं और ब्लॉक्स जो बने हैं वही एरर है नोट में दोस्तों, बैक साइड से ठीक है बट यहाँ सेंटर में जब देखेंगे थोड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो दोस्तों ये 10 रुपये का फैंसी नंबर भी है 0009, प्लस इसमें एरर नोट है, इसमें आप देखेंगे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस नोट में ये एरर आप देख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों कुछ एरन रोड आपको और दिखाओ, तो आप भी सोच रहे हो एरन रोड खत्म नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये 10 रुपए के एरन नोट है, तो इसमें दो तीन नोट आप देख सकते हैं। इसमें नीचे देख सकते हैं ये पेपर कटिंग एरर है, नीचे पेपर दोस्तों आप देख सकते हैं ज़्यादा कटा हुआ है और ऊपर कम कटा हुआ है, तो आप देख चुके होंगे। और इसमें नोट और भी है, इसमें तो इसमें देख सकते हैं एरर नोट है, यहाँ से आप देख सकते हैं एरर है, इस नोट में पेपर कटिंग सही से नहीं हुई है। इस नोट को देखेंगे दोस्तों, यहाँ सीरियल नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर है और यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। और दोस्तों इसमें एक कटिंग एरर है, देख सकते हैं यहाँ पेपर पेपर ज़्यादा कट गया, और यहाँ पे देखेंगे आप पेपर एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों ये भी 10 रुपये का नोट है, तो यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर मिसिंग है, 7 का नंबर होता है वो यहाँ पर नहीं है, 3 9 था, 3 यहाँ मिसिंग है। उसका ये भी दोस्तों कटिंग एरर है, पेपर यहाँ से एक्स्ट्रा ज़्यादा कटा हुआ है, यहाँ पे कम कटा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी कटिंग एरर है, यहाँ पे देखेंगे पेपर ज़्यादा कटा हुआ है और यहाँ पे कम कटा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने वाले पेपर कटिंग एरर है भी, उसके 500 का नोट देखेंगे आप, यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे पेपर सीरियल नंबर में फ़र्क आएगा, यहाँ से आप देखने को मिलेगा, यहाँ से भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सीरियल नंबर शिफ्ट हुआ हुआ है, आधा नीचे कटा हुआ सीरियल नंबर, आधा नोट सीरियल नंबर ऊपर कटा हुआ है। तो ये दोस्तों ये 50 रुपये के विदाउट फ्लैग वाले नोट आ गए, ये भी मैंने इसी बॉक्स में डाल के रख दिए थे। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे नोट हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरा आज का कलेक्शन कैसा लगा मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।